आपके सामने पेश करते हैं हम टू कलर का फार्म। चलो देखते हैं वीडियो एंड तक देखते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बजे सुबह के 5 और मैं उठ गया हूँ। तवल ने मुझे सुबह उठा दिया, तवल 4 बज के उठ गया था। तो आज मासी के घर पे जाना है, तो मम्मी और दीदी रेडी हो रहे हैं और मैं नीचे आ गया, चाय पी ली और रेडी हो रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तवल बैठा है। हाय तवल, गुड मॉर्निंग। तो तवल की आज एग्ज़ाम है, दूसरा पेपर है, तो 4 बजे उठ के वो रीडिंग कर रहा है, तो वो नहीं आएगा और मानसी दी नहीं आएगी। तो मैं और मम्मी और निशा दी जा रहे, तो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें बड़ौदा जाना है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे, नहीं अप्रोक्स तो 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम जा रहे बड़ौदा के ऊपर, सावली है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे मासी और वहाँ पर सारी फैमिली रहते हैं, तो मुझे मिलने जा रहे मैं, मम्मी और निशा। तो चलो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं, चाय पी ली, ब्रेकफास्ट रास्ते में कर लेंगे। मैं रेडी हो गया और यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? मेरे सिस्टर को घर। तो हम जा रहे हैं मम्मी की बहन के घर और वहाँ पे मासी के घर पर बहुत एंजॉय करें। तो चलते हैं अभी, अभी बजे 6 बज गए और बहुत लेट हो गए, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं और अभी बहुत ही लंबा है, तो चलो अभी चले चले ना मम्मी। मैं मम्मी और निशा दी जा रहे हैं। The jacket's only now I see violet, I can feel silence and the dark side. हम लोग जा रहे हैं, हम मैं और मम्मी पीछे बैठे, देखो हम लोग हमारे मासी के घर जा रहे हैं। कितने टाइम के बाद जा रहे हैं, करेंगे और बहुत मजा आएगा, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो मम्मी भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, अपनी मासी को मिल रही हूँ। That I see when your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find valid in your eyes. एक पब्लिक पीस है, सॉरी एक मम्मी। तो जा रहे हम, यहाँ पे हाईवे बहुत ही अच्छा है बड़ौदा वाला, तो बहुत ही मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। मैं आपको व्यू में दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम जा रहे हैं अभी। तो और अभी बजे 8 और हमारा 1 घंटे का सफर खत्म हुआ। तो वहाँ पे निशा दी सो गई है, क्योंकि उसको पता नहीं, उसको गाड़ी में आती है तो बहुत नींद आती है, और सुबह जल्दी उठ गई इसलिए, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। अभी ऑल किया है और यहाँ पे आधे रास्ते पे हम पहुँच गए, और अभी देखते हैं कुछ नाश्ता करेगी मम्मी, बोली निशा बोली है खाएगी, वो गई वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ होटल में, मैं भी फ्रेश हो गया हूँ और आते हैं तो कुछ खाते नाश्ता के लिए। हाय गाइस, तो हमने नाश्ता फाइनली मंगवा लिया है, अब हम नाश्ता करने के लिए बैठे हैं और भाई जा रहे हैं मेरे लिए नाश्ता लेने, और नाश्ता लेकर आएंगे और पूरा नाश्ता करेंगे करे। और मम्मी और सामने दीदी, मैंने इडली और बटर मंगाए। हेलो, तो मेरे यहाँ पे समोसा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, अभी होल्ड किया है थोड़ी देर, तो चलो खाते। 80 ऊपर चल रही है और आगे देख रहे हैं काका ब्लेजर लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 80-90 ब्लेजर है, तो भी आप देख सकते हैं कितना, कुछ हेलमेट नहीं है, कुछ सेफ्टी नहीं है, आप देखो कैसे चला रहे। मैं 80 ऊपर चला रहा हूँ और वो 90 पे चला रहा है, आप देख सकते हो, और पीछे काका बैठे हो तो कभी भी गिर सकते हैं, आप देख सकते हो। देखो कैसे जा रहे, पहुंच जाएगा। कैसे हो सब, हमारी बड़ी अच्छे, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। नहीं तो गाइस अभी 11 बजे अभी 11 बजे निशादी को गाड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि हमें पहुंचना है जल्दी, वरना हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और तो अभी हम निकले हैं, तो अभी 1 घंटे में करने वाले है ना, हाँ 1 घंटे में पहुंच जाएगी। चलो हाय, मैकडॉनल्ड्स में गए थे खाने के लिए, बर्गर कैसा लगा? बहुत अच्छा और बहुत मजा आया। तो हमने बर्गर खाया और मम्मी ने और निशा थी मैंने। तो अभी यहाँ से निकले, अब 13 किलोमीटर है, तो 12:30 बज के पहुंचेंगे ना, आधे घंटे में 1 बजे पहुंचेंगे ना, तो 1 बजे पहुंच गए। अभी 2 बजे और हमें पीछे गाड़ी पार्क कर दिए, और वो है मेरा मासी का घर, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो हम जा रहे हैं उसके पास, 100 स्क्वायर की ज़मीन है,
तो मैं आपको दिखा तो बहुत ही बड़ी है, बहुत। हम पहले देखने गए थे, मैं पहले देख के आया, अब आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही बड़ी है पूरा खेतर में। यहाँ पे आम के पेड़ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे 700 आम के पेड़ है, आप देख सकते हैं पूरा एक, आप गिन सकते हो कि पूरा जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पेड़ है। और यहाँ पर है जो भैंस के लिए जो खाने है, जो चारे है, वो है जो हमारे गुजराती में उसे जार कहते हैं, हिंदी में क्या नहीं क्या कहते पता नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो मैं आपको उसका पूरा जो विलेज का खेत है उसका टूर करवा, तो आप देखना बहुत ही बड़ा है, मैं आपको पूरा खेत दिखाता हूँ। तो बहुत ही थक जाएगी। तो खेत के बीच के अंदर रास्ता बनाया, आप देख सकते हैं पूरा रास्ता खेत के बीच के अंदर बनाया, और यहाँ से एक पड़ाव खत्म होता है और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सात पड़ाव है खेत के, पूरे सात पड़ाव है। मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक बार गया था वहाँ पे, कुछ है नहीं अभी, ऐसे प्लान बनी पड़ी हुई है। तो मैं आपको यहाँ पे 350 आंबा यहाँ पे है और 350 वहाँ पे है, टोटल 700 आंबा हुआ, आम के पेड़ हुए 700 आम के पेड़ हुए, और 250 के दो भाग है, उसके अंदर लहसुन है। तो यहाँ पे आप देखो पूरा लहसुन का है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो गार्लिक है आप देख सकते हैं, हमारे गुजराती में लहसुन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना। तो आप देखो पूरा, और यहाँ पे पूरा आम का है, ये देखो जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक उसका खेत है। तो यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ, तो भाई ये हमारा मासी का जो फार्म है, उसमें जो फेंस गाय रखने के लिए जो बनाया है मकान उसके लिए है, उसके साइड में उसका मकान है, उसका ट्रैक्टर है, और आप देख सकते हैं दोनों फेंस है उसके पास, वो सामने देख के हेलो कह रही है, तो आप कमेंट में हेलो लिख दो। देखो जो मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये हेलो कह रही है, तो आप भी हेलो करके दिखाओ। और यहाँ पे पपीता और रिंगन ऐसा सब मासी ने सारी सारी सब्जियाँ इसमें उगाई है, तो कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और गाइस ये फार्म पूरा 2 CR का है, आप देख सकते हो ऊपर नारियल भी है, सारी जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा। आप व्यू में देखो ये पूरा मैंने व्यू लिया, आप देख सकते हो कितना बढ़िया है, और बहुत बड़ी है खेत, बहुत बड़ा है, और इसे फार्म भी कहते हैं, तो बहुत ही बड़ा फार्म है। यहाँ पे आम के पेड़ बहुत है, तो हम आम आएंगे तभी हम जाएंगे खाने के लिए, और बहुत ही अच्छा है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके पास भी इतना बड़ा फार्म है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। 5 और हम निकल गए वहाँ से, कैसा लगा आपको वहाँ? बहुत मजा आया। तो हम वहाँ से निकल गए, तो अभी 11 बजे तक घर पे पहुँच गए ना, तो रास्ते में देखते क्या खाने को मिलता है। और अब निकले तो फिर से मैं ही चला रहा हूँ, दीदी को और मम्मी को तो आती नहीं है, तो घर पे पहुँचते हैं तब तक चलाते हैं, तो अभी निकलते हैं। हमने होल्ड किया है आइसक्रीम खाने के लिए, और यहाँ आनंद में अमूल दे रही है, तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे खत्म कर दिया देखो। तो अभी ब्राउनी मंगवाई है, तो यहाँ की अच्छी है, तो हम खाते हैं, और फिर डिनर का करके जाएंगे, और यहाँ बाहर करके और डिसाइड करते हैं, फिर निकलते हैं। तो थोड़ी देर हमने होल्ड किया है। Your heart makes no sound. I'll find that it in your eyes. You'll always be my night sky. फाइनली हम घर पहुंच गए, और मम्मी आके कपड़े चेंज करके सो गए, और मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। और यहाँ पे धवल भाई, कैसे हो धवल भाई? बढ़िया हो? क्या बोलते हैं पब्लिक, खाना खा लिया? तो मैंने भी खा लिया। बोल भाई क्या करना है, सो जाना है?
तो थक गया हूँ, तो गाइस बहुत ही थक गया हूँ, तो सो जाऊँगा। और पूरे 6 और 12 घंटे ड्राइव किए, इसलिए 2 घंटे हम मासी के वहाँ रुके थे, 2 ही घंटे, और मैं जाने में आने में टाइम चला गया। और तो अभी बहुत ही थके हूँ, गाड़ी भी बाहर है तो वो भी छोड़ने नहीं जाऊँ, बाहर ही रख देता हूँ। और कैसे यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते गाइज नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइज।